के सुरेंद्रन दरअसल वायनाड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो एसजीपीआई को लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे गंभीर। लेकिन वहीं आपको बता दें, आज वायनाड में कांग्रेस का एक बड़ा रोड शो है, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो वहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जो मौजूदा समय में भी वहीं से सांसद हैं, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगी, कई और बड़े नेता आपको कांग्रेस से दिखाई देंगे उनके साथ में, और बड़ा रोड शो किया जाएगा और उसके बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस बार संशय बना हुआ था कि क्या वायनाड फिर से जाने वाले हैं या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जब सूची आई तो साफ हो गया कि वो वायनाड, जो कि कांग्रेस की सुरक्षित सीट मानी जाती है, वहां से ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार भी दोनों सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा 2019 के चुनाव में, और वायनाड से जीत गए। और इस बार सिर्फ वायनाड को चुना है चुनाव लड़ने के लिए। इस बार वायनाड का मुकाबला राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होने वाला है। इस चुनाव में राहुल के खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनए राजा हैं। बीजेपी से राहुल के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन चुनावी मैदान में, जिनको भी आपने सुना भी, ये तीनों कद्दावर नेता हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला बहुत बड़ा है, ये दंगल बहुत बड़ा है इस सीट का। ये तीन चेहरे देख लीजिए, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, मौजूदा समय में यहीं से सांसद, चुनावी ताल फिर से ठोक रहे हैं। उनके सामने के सुरेंद्रन हैं बीजेपी के, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मौजूदा समय में वहां के, और एनई राजा सीपीआई की सबसे बड़ी नेता, बहुत बड़ा चेहरा, यानी कि कांटे की टक्कर है। इस बार राहुल गांधी अगर ये समझ रहे हैं कि वायनाड की लड़ाई है आसान है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज राहुल गांधी वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। राहुल गांधी के नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और चुनाव में बीजेपी के जीतने का दावा कर दिया। जरा सुनिए के सुरेंद्रन को। सुरेंद्रन जी, राहुल गांधी कह रहे हैं दूसरी बार भी जीतेंगे, उनकी पार्टी कह रही है। आई वुड लाइक टू आस्क राहुल गांधी जी, व्हाट इज, आपने जो सेक्युलरिज्म के बारे में बड़ा बड़ा भाषण दे रहा हो ना, आपका सेक्युलरिज्म ही वन साइडेड है, आप क्यों अयोध्या में जा रहे हैं? आर यू रेडी टू गो एंड हैव ए दर्शन इन अयोध्या राम टेम्पल बिफोर दी वायनाड इलेक्शंस? वाई नो, 5 लाख से ज़्यादा, 6 लाख से ज़्यादा राम भक्त है वायनाड में, क्या आप अयोध्या में नहीं जा रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है ना, और एक क्वेश्चन है ना, सो ये वायनाड लोकसभा क्षेत्र में कम से कम लगभग 20% से ज़्यादा जनजाति समाज है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के पहला स्थान, राष्ट्रपति जी का स्थान दिया, वो क्या उसी समय राहुल गांधी जी का, तो क्या होगा यहाँ से, कौन जीतने वाला है इस बार? हमें नरेंद्र मोदी जी, नाउ पीपल आर सेइंग दैट वेलकम मोदी, बाय बाय राहुल। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने सीपीआई की पीपी सुनीर से मुकाबला किया था। हम पिछले चुनावों के कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं कि अंतर कितना रहा था। राहुल गांधी के कांग्रेस वोट 7,06,367 और वोट परसेंट था उनका 64.64%, ये था राहुल गांधी का वोट परसेंट। अब पीपी सुनीर का देखिए, 2,74,597 वोट और वोट का परसेंट है 25.13%। तो ये वायनाड सीट के 2019 का नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं, और मार्जिन बहुत बड़ा था, तो आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से राहुल गांधी ने चुनावी जीत दर्ज की। लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा कड़ा है, सीपीआई की सबसे बड़े चेहरा को उतारा गया, के सुरेंद्रन को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया प्रदेश अध्यक्ष। और देखिए अभी बड़ी बात वो कह रहे थे कि किस तरीके से वायनाड में बहुत राम भक्त है, क्या आप राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे? तो राम मंदिर के मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। वहीं राहुल गांधी के केरल से चुनाव लड़ने पर एलडीएफ उम्मीदवार एनी राजा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास केरल के अलावा भी कोई ऑप्शन है, राहुल को वो चुनना चाहिए था। वायनाड से आपने कहा था उनको कैंडिडेचर वापस लेना चाहिए, मैंने वो नहीं बताया, वापस लेना के लिए मैंने बताया नहीं है, उनको मैंने ये बोला है कि आपको देखो व्हाट इज द पर्पस, कि आपको सिर्फ एक सीट जीतना है पार्लियामेंट में बैठने के लिए, हम ही चाहती हूँ वो पार्लियामेंट में बैठे, मगर वो सिर्फ एक सीट जीतने के लिए उनका पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तेलंगाना है उधर, हम वामदी पार्टियाँ भी उनके साथ है उधर, और ये आप ये भी आपको देखना है, पूरी जो असेंबली इलेक्शंस अभी हाल ही में हुआ था उसमें एक ही जगह पे वामबंदी के साथ समझौता था, वो तेलंगाना में था, उधर कांग्रेस ने जीता, बाकी कई पर कोई जगह पे नहीं था, हर जगह पे कांग्रेस हारा है।
तो हमें उनको बोला आपको सिर्फ एक सीट जीतना है तो, और तेलंगाना में हो सकती है, तेलंगाना के पार्टी उनको रिक्वेस्ट कर रहे नहीं जा रहे, और तमिलनाडु उधर भी हम सब एक ही फ्रंट पे है, उधर हो सकती है, और कर्नाटक उन्हें अपना एक और राज्य है, कांग्रेस का सरकार है, उधर भी हो सकती है। तो वो तीनों राज्य को छोड़कर, अपना जो अपना राज्य को छोड़कर ये केरल में आने का मतलब क्या है? वायनाड में दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। ये दूसरे चरण का मतदान, इससे जुड़े कुछ आंकड़े, कुछ तारीखें हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। मतदान होना है 26 अप्रैल 2024 को, 13,59,669 जो है वोटर्स हैं, और वोटिंग प्रतिशत है 80.37%। ये दूसरे चरण का जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 26 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होनी है। वायनाड एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है दक्षिण भारत की, क्योंकि वहां से कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार तो बीजेपी ने भी इस पूरे मुकाबले को, इस पूरे दंगल को बड़ा कड़ा बना दिया है कि राहुल गांधी के लिए यहां से भी जीतना उतना आसान नहीं जितना 2019 में था। के सुरेंद्रन को बीजेपी ने उतारा मैदान में, और तीसरे चेहरे को अभी आपने सुना भी कि उन्होंने कहा कि अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन था तो आपको वो भी ऑप्ट करना चाहिए था, यानी कि सीधे सीधे कहा गया अमेठी भी ऑप्ट कर लेना चाहिए था। राहुल गांधी वायनाड से नामांकन दाखिल करने वाले हैं, और कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वायनाड में रोड शो करेंगी, और रोड शो उनका महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी ही थी वो जिन्होंने 2019 में पटकनी राहुल गांधी को अमेठी पारंपरिक सीट जो कांग्रेस की दीवार से दी थी। कल सुबह 8:30 बजे स्मृति ईरानी वायनाड पहुंचेंगी, और उसके बाद स्मृति ईरानी एयरपोर्ट से 2.8 किलोमीटर तक का लंबा रोड शो करने वाली हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के साथ मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ उनका रोड शो होगा। रोड शो के बाद बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं। तो यहां पर भी स्मृति ईरानी चुनौती देने आ रही हैं, क्योंकि 2024 से सामना सीधे सीधे स्मृति ईरानी से हो रहा था। 2014 में जरूर हार का सामना स्मृति ईरानी को करना पड़ा, लेकिन 2019 में किस तरीके से राहुल गांधी को उन्हीं की पारंपरिक सीट पर पटकनी दे दी थी। वायनाड लोकसभा सीट के समीकरण हम आपको दिखाते हैं कि क्या समीकरण है, कितना वोट प्रतिशत किसका है। तो जरा देखिए आप, यहां से शुरू करते हैं। हिंदू का वोट पोर्शन है यहां पर 49%, मुस्लिम का 30% और ईसाई का 21%। ये है वहां का पूरा जातीय गणित। हिंदू 49% जिसको भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है राम मंदिर के मुद्दे पर, मुस्लिम 30%, सीपीआई को भी इसका शेयर मिलता है, और ईसाई 21%। पिछली बार सीपीआई का उतना मजबूत कैंडिडेट नहीं, और बीजेपी ने भी इस तरीके से कैंडिडेट को नहीं उतारा, तो ये सारे के सारे वोट एक तरफा हमें होते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता दिख रहा है।